हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ में एक टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ हिजाब के बारे में, बुरखे के बारे में, कि हमें बुरखा क्यों पहनना चाहिए, किस लिए पहनना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा कि जिसमें मुझे, जब मैं 10-12 साल की थी तब से ही मुझे बुरखा बहुत पसंद था। मैं जब भी कोई बुरखे वालों को देखती थी जाते हुए, तो मैं उनको देखती ही रहती थी और उनका फेस कवर हुआ करता था, तो मैं ये सोचती थी कि ये लोग कितने खूबसूरत होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अल्लाह की रज़ा, अल्लाह ने मेरी वो एक चीज़ को इतना पसंद किया कि एक छोटी बच्ची जो 10-12 साल की है उसको बुरखा बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है। तो अल्लाह की मर्ज़ी हुई कि आज अल्लाह ने मुझे बुरखा पहना दिया। मैं लास्ट 12 साल से बुरखा ही पहनती हूँ, मेरी शादी हुई तब से मैं बुरखा ही पहनती हूँ। लेकिन मैं उतना, मतलब पहले मैं उतना नहीं कर पाती थी, लेकिन इतना था कि मैं बाहर जाती थी तो मैं बुरखा ही पहन के जाती थी। कहीं बाहर गई तो मैं बुरखा पहन के गई और मेरा नोज़ पीस लगा हुआ रहता था। मैं पर्दा करती हूँ, मैं घर के बाहर पर्दा करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं घर पर बैठ के वीडियो बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं अपना फेस ओपन करके वीडियो बनाती हूँ। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बुरखा, हिजाब, नकाब, ये तीन रकब है एक चीज़ की। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमें बुरखा क्यों पहनना चाहिए। बुरखा हमें अपनी हिफाजत के लिए पहनना चाहिए। बुरखे से हमारी इतनी हिफाजत है कि आप सोच नहीं सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आजकल मैं लोगों को देखती हूँ, जो हमारे कौम की लड़कियाँ है, मुझे नाम नहीं लेना है, मैं उनको देखती हूँ, वो बुरखा तो दूर, वो कपड़े भी ढंग से नहीं पहन रहे हैं। अगर आप बुरखा नहीं पहन रहे तो कम से कम आप कपड़े तो ऐसे पहनो कि जिससे आपका जिस्म छिप जाए। आप कुछ फॉलोवर्स के लिए, कुछ लाइक्स के लिए आप लोग दुनिया में इतना गुनाह कर रहे हो, आप सोच भी नहीं सकते आपसे कितनी बड़ी गलती हो रही है। बुरखा नहीं पहन रहे हो, ठीक है, बुरखा पहनना भी अल्लाह की तरफ से एक हिदायत है। बुरखा पहनना हर किसी को नसीब नहीं होता है। सना खान, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, अल्लाह ताला ने उनको ऐसी हिदायत दी, आज वो सिर्फ हमको नकाब बुरखे में या ऐसे स्काफ में ही नज़र आती हैं। ये अल्लाह की तरफ से, बुरखा पहनना भी अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह चाहता है उसे बुरखा पहनाता, अल्लाह नहीं चाहता उसे बुरखा नहीं पहनाता। अल्लाह चाहता है ये बंदा जो मुझे चाहता है तो मैं इसकी हिफाजत करूँगा। बुरखे से आपकी हिफाजत क्यों है? बुरखा पहनने से हमसे गुनाह नहीं होता है। हमसे गुनाह कैसा नहीं होता अगर हम बुरखा पहनने, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं ये सोचती थी कि इस बुरखे के अंदर कौन होगा, कैसा दिखता होगा। हमको जब सामने वाला कोई देख नहीं पाएगा, एक गैर इंसान जब हमको नहीं देखेगा तो हम उसको नहीं देखेंगे। जब कोई हमको देखता है तो हमारी नज़र उस पर पड़ती, ये भी एक गुनाह है। तो बुरखा पहनने से जब सामने वाला ही हमें नहीं देखेगा तो हमसे गुनाह नहीं होगा। हम खुले घूमते हैं, बस गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि बुरखा पहनने से हमें जो दुनिया की जो आँखें हैं वो तो नहीं देख सकती है, लेकिन इसके अलावा एक और आँख होती है जिसे हम नहीं देख सकते, वो होते हैं शैतान, जिन्नात, असरात। जो मेरे साथ हुआ था, आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा। अगर हम बाहर बुरखा पहन के जाते हैं ना तो वो भी हमें नहीं देख पाते हैं। जब वो भी हमें नहीं देखेंगे तो वो भी हम पे बुरी नज़र नहीं डालेंगे, वो भी हम पे हावी नहीं होंगे। और ये एक बार हावी होते ना, मुझसे पूछो, मैंने झेला है, मैंने आपके साथ में वो शेयर किया है, मैंने खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। जब ये हम पे हावी होते हैं ना तो हमको बहुत बुरा परेशान करते हैं। इसीलिए बोला है कि बुरखा पहनने से हमारी हिफाजत दुनिया भी होती है और जो आसमानों में, जो हवाओं में जो मखलूक घूमती है जिसको हम नहीं देख पाते हैं, उससे भी हमारी हिफाजत होती है। अल्लाह पाक ने ये चाहा है कि जो इंसान मैंने बनाया है, जो इंसान मेरी तरफ का है, मैं उसे ढाक कर रखूँ। और बुरखा सिर्फ, पर्दा सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है। मर्दों को भी अल्लाह ताला ने नज़र का पर्दा डाला है कि किसी गैर
औरत को ना देखो, अपनी नज़र नीचे करके चलो, तो उनकी जो नज़र का है ना पर्दा, वो अल्लाह ताला ने मर्दों को भी डाला है। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि सिर्फ इस्लाम औरतों को बुरखा पहनाता है, पर्दे में रखता है, गोनी में लपेटता है, पेंगुइन जैसा बनाता है, तो नहीं, मर्दों को भी पर्दा है। मर्दों को भी अपनी नज़र ऐसी रखनी है कि सामने वाला जो आ रहा है ना उसके घुटनों पे उसकी नज़र जानी चाहिए, नज़र ऐसी नीचे रखनी है। ये मैंने पढ़ा है और ये रियलिटी है और यही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और मुझे बुरखा पहनना इतना पसंद है, इतना पसंद है, वो मेरा अल्लाह जानता है। पहले तो मैं जब न्यू थी तब मेरे पास एक ही बुरखा हुआ करता था जब मैं इस्लाम में, क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं था, बस पहनना है, अभी इनके कौम में आए तो पहनना पड़ेगा, बिना बुरके के बाहर नहीं जा सकते, तो एक ही लिया था। पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी लास्ट एक साल से, जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ, मुझे अल्लाह का करम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं वो दिन सोचती हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, वो लास्ट एक साल से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने मुझे 5 से 6 बुरखे लेके दिए। क्योंकि मैंने अपने शौहर को बोला है मुझे आप कपड़े नॉर्मल ही लेके दो, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, सिर्फ़ आप मुझे बुरखे लेके दो। मुझे बुरखे, दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है। मैं अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं कपड़ा नहीं देखती हूँ, मैं बुरखे देखती हूँ, ये बुरखा कैसा है, ये दुपट्टा कैसा है, ये स्काफ़ कैसा है, ये कैसा लगेगा, इसका कलर कैसा है। मुझे स्टाफ से अपनी बातें शेयर कर रही हूँ कि मुझे जब बुरखे से इतनी लगाव है, तो मेरी प्यारी बहनों आप तो आप बॉर्न मुस्लिम हो, यू आर अ बॉर्न मुस्लिम। आप लोग क्यों ऐसा करते हो, आप लोग क्यों ऐसे, आप लोग बुरखा नहीं पहन रहे लेकिन आप लोग कपड़े तो ढंग से पहनो, आप इससे अपने इस्लाम का नाम ख़राब कर रहे हो। अल्लाह का करम देखो, हम अंदर जो हमको अल्लाह कितना ढाकता है, हमको अंदरूनी भी हम कपड़े पहनते हैं, हम ऊपर से भी कपड़े पहनते, तो सोचो अल्लाह हमें कितना कितना ढाकता है। कभी कभी कोई बुरखे पतले होते हैं, अल्लाह ताला कितना ढाकता है। हम जो अंदर कपड़े पहनते हैं वो भी कोई नहीं देख पाता है, और हमारे जो बॉडी का जो शेप होता है वो बुरखे से नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ ढीला बुरखा पहनना अलाउ किया है। हमारे जो हदीस में है बुरखा ऐसा हो, एकदम ढीला हो, जो जिस्म को ना चिपका हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ढीला ही बुरखा पहनती हूँ। तो मैं सब जगह जब देखती हूँ, जब मैं नाम पढ़ती हूँ ये फलाना इंसान मुसलमान है और ये ऐसे कपड़े पहन रहे, तो फिर लोग यही बोलते हैं ना कि वो भी तो मुसलमान है, वो तो नहीं कर रहा है, तुम क्यों कर रहे। खुद मेरी माँ बोलती, वो मोबाइल में भी मेरी मम्मी देखती, बोले अभी मुसलमान लोग तो बुरखा ही नहीं पहनते। तो मैं बोलती हूँ वो लोग पहने नहीं पहने, मेरा अमाल मेरे कब्र में जाएगा। मैं मेरी मम्मी को यही बोलती हूँ, आपको मेरी मम्मी से भी एक दिन मिलाऊँगी, आप मेरी मम्मी के ज़बान से बात सुन लेना। मैं बोलती कौन क्या कर रहा है, मम्मी क्या पहन रहा है क्या नहीं पहन रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कब्र में मेरे अमाल जाएंगे, अल्लाह ताला ये बोलेगा दुनिया में क्या किया, क्या किया दुनिया में, अपने जिस्म की नुमाइश की। हमारा ये चेहरा भी दिखना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला इसको भी पर्दे में रखा हुआ है। जब हम बुरखा पहनते हमारे सिर्फ इतना ही दिखता है, लेकिन अल्लाह ताला किसी किसी को इतना हिदायत देता है कि वो इंसान उसमें भी ग्लव पहनता है। बुरखा पहनना भी ना अल्लाह की तरफ से होता है, मैं फिर से बोलना चाहूँगी। और जो पूरा पर्दा, अभी तो हम लोग ने सिर्फ बुरखा पहना है, जो पूरा पर्दा करते हैं वो तो अल्लाह की तरफ से माशाल्लाह। वो लोग क्या होते हैं कि वो सोशल मीडिया में भी अपने आप को पूरा ढाक के रखते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखती हूँ कि जो सोशल मीडिया, एक और सेलिब्रिटी थी उसने अभी अपना फेस कवर कर दिया, आप लोग जानते होंगे उनको भी। मैं यही बोलना चाहती हूँ प्लीज़ आप लोग पर्दा करने की कोशिश करो, आप लोग ट्राई करो। और हाँ, मेरा एक मैसेज आप सब भाइयों के लिए है, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के कमेंट में जाके बोलते हो पर्दा करो, हिजाब करो, अपने आप को छुपाओ, लोग गुनाह कर रहे, बेशक आप सही बोल रहे हो, आप गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन वो तो अल्लाह की तरफ से होता है ना। आप कितना भी किसी को कितना भी बोलोगे, ज़िद करोगे, वो नहीं मानेगा जब तक उसका दिल नहीं होगा, उसके दिल से नहीं होगा। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को बोलते हो ठीक बात है, वो लोग नहीं सुनना चाहते, लेकिन आपके घर में भी अगर आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन या आपके कोई भी ऐसे रिश्तेदार है जो आपकी बात सुने, आप उनको ज़रूर बोलो पर्दा करने के लिए। अगर एक मुसलमान ऐसा करेगा और बाकी सारे ऐसा करने लगे तो ऑलमोस्ट 90% लोग तो पर्दा ही करने लगेंगे, 90% मैं बोल रही, शायद उससे ज़्यादा भी करे। अगर हर घर का मर्द अपने घर को ऐसे सख्ती से नवाजे कि बुरखा पहने बिना बाहर नहीं जाना है, तो कोई लेडीज़ नहीं जाएगी बाहर। ये सब काम आपका है, घर का जो मर्द होता है अगर वो सख्ती कर ले अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बीवी को,
बुरखा पहने बिना घर से बाहर नहीं जाना है, तो आधे लेडीज़ तो ऐसे ही सुधर जाएंगे, भले डर से ही सही, घर के मर्दों के डर से ही सही, लेकिन आधे तो ऐसे ही सुधर जाएंगे। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग हमें बोलते हैं या किसी के कमेंट में भी जाके मैं देखती हूँ, मत बोलो, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, उनको हिदायत होगी तब वो बुरखा पहनेंगे, उनको हिदायत होगी तो वो फेस भी कवर कर लेंगे। आप लोग प्लीज़ ट्राई करो कि अपने घर के लेडीज़ों को सख्ती करो, बुरखा पहनाओ। मेरे हस्बैंड मुझे बुरखा पहनने के लिए पहले से अलाउ करे, पहले नहीं करते थे, जब मैं न्यू आई थी तब नहीं करते थे, तब मैं बिना बुरखे के ऑफ़िस जाती थी, क्योंकि मेरे ऑफ़िस में ये नहीं पता था कि मेरा एक मोमेडियन से शादी होने वाला है करके, बाद में पता चल गया था। लेकिन मैं जब उसी ऑफिस में 4 साल 5 साल काम कर रही थी और फिर मेरी शादी हो गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बुरखा पहन के नहीं जाना चाहिए अभी फ़िलहाल, तो मैं स्टार्टिंग में बुरखा नहीं पहनती थी। जब मैंने ऑफिस छोड़ा तो उसके बाद मैं कहीं पर भी गई मैं बुरखा ही पहनती थी। सिर्फ मैं ऑफिस में बुरखा पहन के नहीं जाती थी, लेकिन मैं और कहीं जाती थी हस्बैंड के साथ तो मैं बुरखा पहन के जाती थी, और या उसके बाद मैंने ऑफिस छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, तो उसके बाद भी मैं बुरखा ही पहनती थी। और आजकल बुरखे बहुत सस्ते हो गए, अगर एक नॉर्मल इंसान 500 का बुरखा तलक आता है, इतना कॉस्टली भी नहीं है, पर्दा कितना सस्ता हो गया है। महंगे महंगे भी आते हैं, हम अपने हिसाब से अपने बजट से ले सकते हैं ना, 500 1000 1500 10000 के बुरखे आते हैं, लेकिन हम अपनी हैसियत से ले सकते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली मुझे बुरखा ही लेके दो, तुम, मैं कहीं पर भी जाती हूँ मुझे बुरखा अच्छा लगता है, जो भी मेरी हैसियत है मैं उस हिसाब से मैं सिर्फ बुरखे लेती हूँ। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 बुरखे हो गए, मेरे पास हाफ़ भी बुरखे हैं। मैं स्कूल वगैरह में जाती हूँ तो मैं हाफ़ बुरखा पहनती हूँ। मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप पर्दा नहीं कर रहे, आप पर्दा करो, तो इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ। बारिश है तो जिसमें फुल बुरखा बहुत गंदा हो जाता है, तो मेरे पास हाफ़ बुरखे हैं, चादर वाले बुरखे हैं, मैं अपने को हिजाब कर लेती हूँ, क्लोज कर लेती हूँ बाहर, लेकिन घर में तो मैं ओपन, मेरे हस्बैंड के इजाज़त से मैं ओपन वीडियो बनाती हूँ। बोलने का मतलब ये है कि बुरखा नहीं पहनते हो, अच्छे कपड़े पहनो, फुल कपड़े पहनो, ऐसा पहनो जिससे आपका बॉडी क्लोज रहे, दिखे ना। हमारे इस्लाम में तो सर से दुपट्टा नहीं गिरना चाहिए। बीबी फातिमा अम्मी का सिर्फ हवा के वजह से, हवा इतनी ज़ोर से आई कि उनका सिर्फ दुपट्टा सरक गया, उनके सर से सिर्फ 2 बाल दिख गए, तो अल्लाह ने दुनिया को रोक दिया, हवा एकदम सब कुछ रुक गया कि एक हवा के वजह से उनका दुपट्टा सरक गया, उस टाइम पे दुनिया थम गई, रुक गई दुनिया। और एक टाइम मैंने पढ़ा जब इमाम हुसैन की नमाज कज़ा हो गई, सिर्फ एक टाइम, उस टाइम दुनिया रुक गई। तो कितनी बड़ी बात है कि सर से दुपट्टा भी नहीं गिरना चाहिए हमारे इस्लाम में, और हम लोग ऐसे कपड़े पहन रहे, कुछ लेडीज़ जो देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इससे दूसरों को गलत मैसेज जाता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अ बॉर्न मुस्लिम, मैं एक कन्वर्टेड, मैं एक रिवर्टेड मुस्लिम हो के जब मैं निकाब पहन सकती हूँ, मैं बुरखा पहन सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी पहनो। ऐसा तो पहनो कम से कम आपकी जिस्म की नुमाइश नहीं हो सके। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना, और मैंने किसी को हर्ट नहीं करना था, मैं सिर्फ अपने दिल की बात कहना चाहती थी कि नकाब पहनो, इससे हमारी बहुत हिफाजत है, इससे हम गुनहगार होने से बचते हैं, हमसे गुनाह होने से बचता है, और हम ये जो दूसरे शैतान असरात जिन्नात होते हैं, जो मुझे हुआ था, वो भी आप होने से बचेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।